अस्सलामु अलैकुम। तारीखी शहर बीजापुर माशाल्लाह पुराने और नए मस्जिदों से भरा है। आज आपको एक ऐसी मस्जिद हम बताने जा रहे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल है। इस मस्जिद की बुनियाद तक्वे पर रखी गई और इसका नाम भी मस्जिद तक्वा है। इस मस्जिद की इफ्तिताह गुज़िश्ता साल रमज़ान यानी सन 2016 में हुई। महबूब नगर कॉलोनी की इस छोटी सी मस्जिद की खासियत है कि मस्जिद तमाम बिदात खुराफात और रसूमात से पाक है। यहाँ पर नमाजों के बाद ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर सलाम नहीं पढ़ा जाता। बाजमात नमाजों के बाद इज्तिमाई जहरी दुआ जो एक बिद्दत और मफसदा है नहीं होती। शब मेराज, शब बारात या शब कदर हो, न लाइटिंग पर फजूल खर्च किया जाता है, न नमाजों के अवकात में तब्दीली की जाती है। बूंदी और लड्डू तकसीम करना तो दूर की बात रही, ऐसी रातों में इज्तिमा से परहेज़ किया जाता है। ईदैन के मौके पर मुसाफा यानी हाथ मिलाना, मुआनका यानी गले मिलना, ये भी नहीं होता। इस मस्जिद में चंदे के लिए हर महीना घर घर गश्त नहीं होता। मस्जिद का इंतज़ाम जिम्मेदारान खानकाह क़ादरिया के मातहत है। इस मस्जिद में रोज़ाना बाद नमाज फजर हज़रत डॉक्टर क़ादरी साहब दामत बरकातहुम का दर्स क़ुरान होता है। बाद नमाज असर हदीस की तालीम होती है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस मस्जिद को रुश्द व हिदायत का मरकज़ बनाए और तमाम मुसलमानों को कुरान व सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।